सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। नवनिर्वाचित सांसदों के साथ सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। डिप्टी सीएम अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। बीजेपी और एनडीए संसदीय दल की बैठक कल होने वाली है और इसमें ये शामिल होने वाले। मंत्रिमंडल को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को मौका तो मिलेगा ही, लेकिन मंत्री कौन बनेगा ये तो पीएम का एकाधिकार है। तो नवनिर्वाचित सांसदों के साथ सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना हो गए। कल बीजेपी और एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है, इसमें ये लोग शामिल होने वाले हैं। कल सभी नवनिर्वाचित सांसदों का, हमारे भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का, उप मुख्यमंत्रियों का और सामान्य प्रदेश अध्यक्षों का बैठक है, जिसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। यहाँ से भी, छत्तीसगढ़ से भी हम, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी नवनिर्वाचित सांसद जा रहे हैं। मौका तो मिलेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एकाधिकार है। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओम बिरला से मुलाकात की है और ओम बिरला के आवास पर जाकर ये मुलाकात उन्होंने की है। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट उन्होंने बताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया और ओम बिरला के आवास पर जाकर मुलाकात उन्होंने की है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नौ जून को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। शाम 7:15 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। एनडीए की बैठक पर टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू ने बताया था कि एनडीए के सभी नेता खुश थे। 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होगी और फिर 9 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। सूत्रों की माने तो एनडीए की सरकार बनने में कुछ ही दिन बचे हैं। सूत्रों का दावा है कि 9 जून को केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में आयोजित होगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर बुधवार को तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अगली सरकार के गठन के लिए नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। आजादी के बाद ये दूसरी बार है जब किसी गठबंधन को तीसरी बार जनादेश मिला है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वो देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के पीएम बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है।
मोदी उनके रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। इस बार रिजल्ट आने के 5 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 2019 के नतीजों के 7 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2014 में नतीजों के 10 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ग्रहण की थी। इस बार नतीजे आने के 5 दिन बाद यानी 9 जून को पीएम मोदी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इतना ही हुआ कि एनडीए को मजबूत दिखाने की एक कोशिश, सारे नेता सब मिलकर देश को भी एक विश्वास दिलाना है कि एक अच्छा सा मजबूत सरकार अभी आगे भी बनने वाली है, तो उसके लिए देश के लोगों को भी एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से वही एक बैठक हुई और सभी खुश नजर आ रहे थे और सभी आगे बढ़ने की सोच में है। तो 7 तारीख को एनडीए के एमपीज के साथ एक और बैठक रहेगी, उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेयरिंग इन सेरेमनी रहेगा। 4 जून को लोकसभा के नतीजे आए हैं। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की और बहुमत हासिल किया। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की है। इस बार बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है, हालांकि वो बहुमत के आंकड़े 272 से पीछे रह गई। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में 282 सीटें हासिल की थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इस बार सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री पद के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में देश से ही नहीं विदेशों से भी वीवीआईपी मेहमान शामिल हो सकते हैं। पड़ोसी देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। भारत माता की जय जगन्नाथ। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होने की उम्मीद है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस के राष्ट्र अध्यक्ष के साथ ही भूटान के पीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य देशों के भी नेता मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। 7 जून को सबसे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। उस बैठक के अंदर एनडीए घटक दलों के सभी सांसद मौजूद रहेंगे और सभी सांसदों के साथ में तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उस बैठक में शामिल रहेंगे। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद में तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां राष्ट्रपति के सामने जाकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हर बार उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत की विदेश नीति की झलक मिलती है। पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह संभव। पीएम मोदी के नाम जुड़ेगा रिकॉर्ड, लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड। जवाहरलाल नेहरू की करेंगे बराबरी। मंत्रिमंडल पर बैठकों का दौर। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद पीएम मोदी ने इसे जनता की जीत बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि तीसरी बार एनडीए को बहुमत जनता में उनके काम के विश्वास को दर्शाता है। साथ ही पीएम मोदी ने इस एनडीए की जीत को सबका साथ सबका विकास के नारे की जीत बताया था। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये
विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति को टेलीफोन कर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने न्योता कबूल भी कर लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। जब एनडीए ने चुनावी जीत हासिल की तो नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाली सबसे अग्रणी नेताओं में शेख हसीना भी शामिल थीं। शेख हसीना ने भी दिल्ली आने और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह से जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। कई सारे जो गेस्ट हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। कई सारे विदेशी मेहमान भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत नेपाल, भूटान, इन सब के राष्ट्राध्यक्ष भी जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 8 या 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हो सकता है। उसके लिए तैयारियां जो हैं राष्ट्रपति भवन में तेज कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ पवन गौड़, नपकेट 3, दिल्ली। और बड़ी खबर की बात करेंगे। एमपीपीएससी 2021 के अंतिम रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और 87% सीटों के लिए ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और ये जो रिजल्ट जारी हुआ है इसमें टॉप 10 में 7 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। 12 डिप्टी कलेक्टर पदों पर भी महिलाओं का एक कब्जा हुआ है, जिसमें भोपाल की अंकिता ने टॉप करने का काम किया, टॉप किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में पेंडिंग है केस और इसकी वजह से 13% रिजल्ट को अभी फिलहाल के लिए रोका गया है। एमपीपीएससी ने कुल 290 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। ओबीसी आरक्षण की वजह से 13% रिजल्ट जो है वो रोका गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसीलिए 87% रिजल्ट इस बार जारी कर दिया गया है, जिसमें टॉप 10 उम्मीदवार जो हैं, जिनका चयन हुआ है, उसमें 7 महिला उम्मीदवार हैं। टॉप 10 में 7 महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है, फीमेल कैंडिडेट्स ने, और 12 डिप्टी कलेक्टर पदों पर भी महिलाओं ने कब्जा कर लिया है। और इसमें भोपाल की अंकिता पाटकर जो है उन्होंने टॉप किया है। वहीं ओबीसी आरक्षण का मामला चूंकि अभी चल रहा है और इसको लेकर केस कोर्ट में पेंडिंग है, और यही कारण है कि कुल 13% रिजल्ट को अभी होल्ड किया गया है, यानी कि रोका गया है। एमपीपीएससी ने कुल 290 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था और ओबीसी आरक्षण की वजह से 13% रिजल्ट को फिलहाल के लिए रोका गया है। अंकिता पाटकर इस वक्त हमारे साथ, जो कि टॉपर है और सबसे पहला स्थान उन्होंने हासिल किया है, भोपाल की रहने वाली हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपको इस सफलता के लिए। कैसे देख रही हैं सफलता को? सर, मैं बहुत खुश हूँ। अभी तो थोड़ा यकीन भी नहीं हो रहा था मुझे, पर रैंक 1 में मेरा ही रोल नंबर है जी। और सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत भी की और अच्छा लगना स्वाभाविक है, लेकिन मेहनत कैसे की, कैसे तैयारी की, किसको ये इस सफलता के पीछे, आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन साथ में और किसकी मेहनत है? सर, जो भी ये पूरा एमपीपीएससी की तैयारी की जो जर्नी रही, उसमें पेरेंट्स का भी सफर पूरा योगदान रहा है। मेरे जो गुरु हैं, जो मैंने मतलब एमपीपीएससी के लिए, जो एमपी गवर्नमेंट ओबीसी को फ्री कोचिंग पढ़ाती है, तो पीजी एसोसिएशन था, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी। और फिर यूट्यूब की मदद से सारे यूट्यूब चैनल्स की भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, और मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो जो मेरे स्टाफ के मेंबर्स रहे हैं उनने भी हमेशा सपोर्ट किया, तो सबका योगदान है मिला जुला कर। और मेरा नवोदय से भी मतलब मैंने पढ़ाई की है, तो वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, तो नवोदय एक्सीलेंस स्कूल एजुकेशन, सारा बैकग्राउंड मेरा अच्छा रहा था, तो मुझे तैयारी करने में आसानी भी रही और हमेशा अच्छा गाइडेंस मिला सर। अच्छा गाइडेंस मिला। अभी आप क्या करती हैं? आपने कहा कि आपके जो कलीग्स हैं उनका भी बहुत साथ मिला, अभी आप क्या करती हैं? सर, अभी मैं जो जनपद पंचायत अब्दुल्लागंज में सहायक विकास विस्तार अधिकारी हूँ। ठीक है, तो कैसे सेलिब्रेट करने वाली हैं आगे, तैयारी कितने घंटे पढ़ाई करती थी,
क्योंकि देखिए जो छात्र होते हैं, जो प्रतिभावान छात्र होते हैं और जो सफलता प्राप्त करते हैं, दूसरे छात्र उनको फॉलो करते हैं। यस सर। तो क्या तैयारी, कैसे तैयारी की, कितना समय देती थी, कहां से सिलेबस कैसे सिलेक्ट किया जाता था, किसने इसमें मदद की आपकी? सर मेनली जो मेरी तैयारी होती थी वो एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस को देख के ही होती थी। और सिलेबस में जिस तरीके एग्जाम हो रहे हैं वैसे मैं, और जो टेस्ट सीरीज में हो रहे हैं, तो मैं जो टेस्ट आंसर की प्रोवाइड की जाती थी कोचिंग्स के द्वारा उन पर ध्यान देती थी। और जो मतलब जैसे कई बार जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स रहे हैं उनके मेंस की कॉपी को भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करती थी और उसके बाद अपने आंसर्स को मॉडिफाई करती थी, करंट को डालने की कोशिश करती थी ज्यादा से ज्यादा, और जो भी सिचुएशन है तो वही सब कोशिश करती थी। तो मुझे लग रहा है कि मेंस में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो इस वजह से सर। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, कहा जाता है कि ये प्रशासनिक अधिकारी बनना बहुत समय देना पड़ता है, दिन रात एक कर देना पड़ता है, नींद गंवानी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। क्या क्या किया आपने इस सफलता को प्राप्त करने के लिए? सर मैंने पढ़ाई की है और यूट्यूब के मदद से जो भी जो स्टडी बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा है। लाइब्रेरी जाती थी मैं तो सुबह 8 बजे समथिंग पहुंच जाती थी और कोशिश करती थी 10 से 12 घंटा पढ़ने के। जॉब मेरी अभी लास्ट 2 इयर्स में लगी हुई है, तैयारी मेरी काफी पहले से चल रही थी और जब मेरे एग्जाम्स रहे तो मेरे जो स्टाफ रहा उन्होंने हमेशा मुझे छुट्टी भी दे दी थी और काफी सपोर्ट किया उन्होंने हमेशा, तो उस वजह से मुझे टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए। अच्छा, बहुत बधाई आपको अंकिता जी। लेकिन एक चलते चलते एक सवाल और, कि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो ओरिएंटेशन चाहते होंगे, आपसे मार्गदर्शन चाहते होंगे, आप उपलब्ध रहेंगे उनके लिए? मैं अभी बताऊंगी सर, फ्री रहूंगी सर, मैं कभी भी गाइडेंस के लिए मैं मना नहीं करती और कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी स्ट्रेटेजी है वो फैला पाऊं ताकि जल्दी से जल्दी सबका सिलेक्शन हो। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, बहुत बधाई आपको इस सफलता के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।